आप सभी का आपके चैनल टारगेट बिथालोक पे स्वागत अभिनंदन करता हूँ। लगातार मैथ्स की श्रृंखला में चल रही है। आज मैथ्स की क्लास आपकी चतुर्भुज के ऊपर ही डिपेंडेंट है, जो आपने पिछली क्लास में पढ़ा था। चतुर्भुज का बेसिक अप्रोच आपने पिछली क्लास के माध्यम से सीखा और समझा। आज की भी क्लास उसी के अप्रोच को ही डेवलप करने के ऊपर है। आपके अंदर उस अप्रोच को डाला जाएगा, लेकिन क्वेश्चंस की मदद से। क्योंकि आपको देखिए, जब तक इम्प्लीमेंटेशन हम लोग नहीं करते हैं, जब तक चीजों को अप्लाई नहीं करते हैं, तब तक हमारे ऊपर उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं इस क्लास को इसी उद्देश्य से लेकर आया हूँ कि आपको भले ही वो प्रश्न आपके लिए जो है ऐसे हो कि मान लीजिए एग्जाम में, फिलहाल मैंने सारे प्रश्न ऐसे उठाए हैं जो कि एग्जाम में आए हुए हैं, लेकिन हो सकता है कि आपको लगे कि इन प्रश्नों को जो है हम कर सकते हैं, फिर भी आपके उस अप्रोच को डेवलप करने के लिए बहुत ही रिस्पॉन्सिबल और अच्छे प्रश्न माने जाएंगे, जो आपको कॉन्सेप्ट भी बताएंगे और साथ साथ उस प्रश्नों की हेल्प से आप एग्जाम में मार्क भी कर सकते, स्कोर भी कर सकते हैं। तो ऐसे ही प्रश्नों की कुछ श्रृंखला हम चतुर्भुज से संबंधित, जो मैंने आपको कल फिगर्स पढ़ाए, त्रिभुज भी यूज किया है मैंने एक आध दो शब्द में, हमने वृत्त भी यूज किया है एक आध दो शब्द में, क्योंकि मिला जुला स्वरूप आप देखते हैं एग्जाम में जनरली आया करता है। तो आप चाहे जिस प्रकार की परीक्षा दे रहे हो, जो आगे चलकर सीजीएल की कोई भी परीक्षा देने जा रहा हो, या आप लोअर पीसीएस की परीक्षा देंगे, एनटीपीसी की परीक्षा देंगे, आप जिस भी प्रकार की परीक्षा में पार्टिसिपेट होने जा रहे हैं, इवन बैंकिंग तक में सारे प्रश्न आजकल आते हैं, तो इन सारे प्रश्नों को लेकर के हम इस श्रृंखला को शुरू करने चल रहे हैं। आप लोग भी इन प्रश्नों को अच्छी तरह से समझिए और फिगर के ऊपर अपना कमांड करिए। देखिए, मैं एक चीज और आपको सब अच्छे तरह से बता दूं कि जब भी एडवांस मैथमेटिक्स हम पढ़ते हैं, खासकर मेंसुरेशन में आपको फिगर पर ग्रिप बनाना पड़ता है, आपको फिगर के अंदर जाकर सोचना पड़ता है, तब जाकर के आप यहां पे अच्छी तरह से पकड़ पाते हैं। खासकर जब हम आप सॉलिड फिगर पढ़ेंगे, तो आपको एहसास होगा कि हम कैसे फिगर के अंदर घुस करके चीजों को यहां पे प्लान आउट करते हैं। इन्हीं सारी बातों के साथ क्वेश्चन की स्टार्टिंग आज की करी जाती है। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन बोर्ड पर है। हमने एक फिगर आपको आयत के बारे में पढ़ाया था, मैं अभी और कुछ इस पे प्रश्न उठाऊंगा, लेकिन सबसे पहले आज इस आयत की अगर हम बात करें, जो आयत आपको दिया गया है, जैसे हमने कहा कि बोर्ड आयताकार है, क्योंकि इसकी अपनी एक लंबाई है, अपनी एक चौड़ाई है, ये फर्श जिस पे हम खड़े हैं भी एक आयताकार है, आपका अपना एक खेत जो होता होगा, जमीन जो होती होगी भी आयताकार होती होगी, क्योंकि उसकी अपनी एक लंबाई होती, अपनी एक चौड़ाई होती है। ऐसा ही एक आयताकार मैदान हमारे सामने है। इस आयताकार मैदान जिसकी लंबाई को इसने 20 मीटर दे रखा था और चौड़ाई को इसने 15 मीटर दे रखा था, एक आयताकार मैदान आपके पास था जिसकी लंबाई 20 मीटर थी और चौड़ाई 15 मीटर थी। इस मैदान के बाहर चारों ओर 5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है। भाई, मैदान हमने बनाया, साथ साथ मैंने 5 मीटर चौड़े रास्ते की बात करी है। मैदान के चारों तरफ आपने 5 मीटर चौड़ा रास्ता इस प्रकार से ऐसे कुछ डेवलप किया। अब आप देखिएगा किस प्रकार से आप बात कर रहे हैं, यहाँ पे इस प्रकार से हमने 5 मीटर चौड़ा मैदान के चारों तरफ एक रास्ता बना लिया कि हमको आने जाने में कोई दिक्कत ना होने पाए, हमसे इसी रास्ते का क्षेत्रफल। क्योंकि देखिए, ऐसे प्रश्न बनाए जाते हैं, जब आप घर बनवाते हैं तो घर की बाउंड्री के चारों तरफ भी ऐसा कुछ स्पेस छोड़ते हैं जिस स्पेस की मदद से आप कभी कोई काम कर सके, मतलब उधर आसपास अपने घर की सराउंडिंग बना सके। वैसे ही खेत के चारों तरफ, मतलब इस आयताकार मैदान के चारों तरफ इस प्रकार से 5 मीटर चौड़ा एक रास्ता बनाया गया है, उस रास्ते का क्षेत्रफल हमसे पूछा गया है। तो बहुत आसान सा प्रश्न है, आप अगर नोटिस करेंगे, जैसे ओरिजिनल लंबाई अगर 20 थी तो 20 में इधर भी 5 जुड़ा और इधर भी 5 जुड़ा, अर्थात ये पूरी जो लंबाई आपके सामने बनकर आई, जो बाह्यता फील्ड की आई, वो 20 में 5 जुड़कर 30 हो गई। जबकि अगर चौड़ाई की भी बात किया जाए, इधर भी 5 बढ़ा और इधर भी 5 बढ़ा, अर्थात ये मान आपका 25 हो गया। मतलब अब जो बाहर से अगर हमने यहाँ पे मैदान के साथ साथ उस हमने रास्ते को भी इंक्लूड किया, तो लंबाई आपकी 30 हो गई और चौड़ाई आपकी 25 हो गई, अर्थात अगर हम रास्ते को लेकर इस पूरे सरफेस का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो 30 × 25 हो जाएगा। 30 × 25 तो रास्ते को लेकर क्षेत्रफल होगा। हमको यहाँ पे अगर इस इंटरनल का क्षेत्रफल हम लोग माइनस कर दें, जिसका जो लंबाई थी जिसकी 20 मीटर थी और 15 थी, तो हम 20 और 15 के गुणनफल को अगर हम इसमें से माइनस कर देते हैं तो हमें केवल और केवल रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। साफ साफ दिख गया होगा कि आपको करना क्या है। आप लोग यहाँ पे स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, अगर हमें केवल रास्ते का क्षेत्रफल, क्योंकि हो सकता है रास्ते पे आपको पत्थर लगवाना होता, हो सकता है रास्ते पे आपको ईंट बिछवानी होती, इस प्रकार से कुछ भी काम करने के लिए रास्ते के क्षेत्रफल की आवश्यकता थी, और क्षेत्रफल हम लोग जब ज्ञात करेंगे तो 25 × 75 = 750 होगा, माइनस 15 × 30 = 300 होगा, 300 घटेगा जब 750 से, तो 450 मीटर स्क्वायर उस पूरे रास्ते का क्षेत्रफल आपको प्राप्त हो जाएगा, 450 वर्ग मीटर आपके पास। यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा, जो आप लोग कन्फर्म कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो 450 वर्ग मीटर इस प्रश्न का सही उत्तर है और परफेक्ट उत्तर है।
चलिए हम एक प्रश्न आपको हमें समझ करके चल रहे हैं कि आपको क्लियर हो गया होगा। इसी उम्मीद के साथ हम अगले प्रश्न पर आज की श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। सेकंड प्रश्न आपके सामने एक नए फिगर की बात की गई है और उस नए फिगर को अगर हमने एक नोटिस किया तो इसका इसने कोई नाम नहीं दिया इस फिगर का, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपके यहाँ बहुत सारे बनते हैं। केवल चतुर्भुज पूछा गया हमसे, चतुर्भुज कोई भी है, आप किन्हीं भी चार बिंदुओं को समतल मिला दीजिए, उसका कोई नेचर आपको नहीं पता है, वही चतुर्भुज होता है। मतलब आपने बाउंडेड कर दिया चार बिंदुओं को, लाइन सेगमेंट से, रेखाओं से चतुर्भुज बन गया। ऐसा ही एक चतुर्भुज बिना किसी डेवलप किसी बिना किसी नेचर के हमने ऐसे जनरली बना दिया। ये देखिए मैंने एक चतुर्भुज ऐसे बना दिया, हमने ये नहीं सोचा कि समलंब है, समांतर है, सम है, कुछ नहीं, हमको कोई आइडिया नहीं है, बस इतना पता है कि एक चतुर्भुज है। इसने हमसे कहा कि चतुर्भुज का जो बिकर्ण है, किसी एक को हमने बिकर्ण मान लिया। बिकर्ण हमेशा दो विपरीत बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा होती है, बिकर्ण हमेशा दो विपरीत बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा होती है। तो बिकर्ण आपके पास अगर एसी हमने 8 माना है, एसी को हमने यहाँ पे 8 प्लान किया है, 8 सेंटीमीटर है, तथा इसने हमसे एक शब्द कहा है, आप उसको पढ़िए, एवं बिकर्ण पर सम्मुख शीर्ष बिंदु, सम्मुख शीर्ष बिंदु मतलब इस शीर्ष बिंदु और इस शीर्ष बिंदु। इस पूरे बिकर्ण की लंबाई 7-8 सेंटीमीटर थी, लेकिन इसने हमसे कहा बिकर्ण के सम्मुख, अब यहाँ पे इन दोनों को तो अपोजिट कह रहे थे, सम्मुख का मतलब डी और सी से डाले गए लंबों की लंबाइयां, मतलब लंबों की लंबाइयां यहाँ यार की पड़ी, लंब वही होगी जो समकोण बनाएगी, लंब वही होगी जो समकोण बनाएगी। पहली 5 है, जबकि अगर इसकी बात की गई तो यहाँ पे 3.5 है, 3.5 ये भी जाके समकोण बना रही है। अब आप नोटिस करिए, याद करिए उस त्रिभुज को, जब हमने आपको त्रिभुज पढ़ाया था कुछ इस तरह से, हमने कहा किसी को भी आधार बना लीजिए त्रिभुज में, उसके विपरीत बिंदु से वह रेखा जो आकर उसके ऊपर समकोण बनाती है, उसको अगर हम यच कह दें, इसको बी कह दें, तो इसका क्षेत्रफल 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई हो जाता था। आपको अच्छी तरह से इस बात के बारे में अंदाजा होगा। अब आप मुझे एक चीज बताइए कि कभी एक चीज मैंने और भी आपको शायद बताया हो कि अगर कोई चतुर्भुज है, चतुर्भुज का जो बिकर्ण होता है, उस चतुर्भुज को दो बराबर पार्ट्स में, मतलब दो त्रिभुजों में ब्रेक करता है, जिन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का योग उस पूरे चतुर्भुज के क्षेत्रफल का मान होता है। अगर हम इसकी बात करें तो जो बिकर्ण हमारा एसी था इसने इस चतुर्भुज को भी दो बराबर त्रिभुज या दो क्षेत्रफलों में ब्रेक किया, हम बराबर नहीं कहेंगे यहाँ पे, लेकिन दो क्षेत्रफलों में ब्रेक किया, उन क्षेत्रफलों का दो त्रिभुजों में ब्रेक किया, उन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जो योग आएगा वही उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा। चलिए ज्ञात करते हैं इन अलग अलग त्रिभुजों का क्षेत्रफल। जैसे हम इस त्रिभुज क्षेत्रफल की बात करें, त्रिभुज हम एडीसी की बात करें, त्रिभुज एडीसी का अगर हम क्षेत्रफल नोटिस करें, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुणे आधार को 8 ही माना जाएगा, 8 गुणे ऊंचाई इसकी कितनी होगी, 5। चलिए इधर आ जाइए, हमने लिखा त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का अगर हम क्षेत्रफल नोटिस करें, इसको भी लिखेंगे 1/2 गुणे, इसकी भी आधार यहाँ पे 8 है, इसकी ऊंचाई को 3.5 माना जाएगा। अब जब हम दोनों को जोड़ देंगे तो पूरे चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल प्राप्त होगा। तो पूरे चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा सब लोग, चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल, अब इन दोनों क्षेत्रफलों को जोड़ दिया जाए, आप 1/2 दोनों से कॉमन कर सकते हैं, तो यहाँ पे 8 × 5 = 40 बचेगा, प्लस हम इसको इससे गुणा करें तो 8 × 5 = 40, 8 × 3 = 24, 24 × 4 = 28 हो जाएगा। अब आप गुणा करके देख सकते हैं जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे क्या होगा कि 1/2 मैंने इन दोनों से कॉमन किया क्योंकि मुझे दोनों को जोड़ना था, तो 8 × 5 = 40 मैंने लिखा, और 8 को मैंने 3.5 से जब गुणा किया तो 8 × 5 = 40 कैरी 4 बचा, 8 × 3 = 24, 4 = 28 केवल 28 बचा, तो 40 × 20 = 60, 8 × 68, 68 को अगर मैं 1/2 मतलब हाफ करूंगा तो 34 cm² इस प्रश्न का उत्तर होगा। मतलब इस पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल 34 cm², जो कि ऑप्शन नंबर आपके सामने बी है। तो हमने यहाँ पे स्पष्ट रूप से वही किया जो हम अलग अलग चित्रों में करते थे। अगर मेरे पास दो त्रिभुज होते तो सबसे पहले अगर उसकी एक आधार पता होती, उसके विपरीत शीर्ष बिंदु की लंबाई पता होती, तो हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते, सेम स्थिति यहाँ पे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते, और दोनों त्रिभुजों को हमने जोड़ दिया तो फाइनल चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल हमको ज्ञात हो गया। मैं पूरा विश्वास रख रहा हूं कि आप लोग को यह प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। इसी उम्मीद के साथ मैं अब तीसरे प्रश्न पर मूव करता हूं। तीसरे प्रश्न पर आकर के आप लोग देखिए, तीसरा प्रश्न आपके सामने है। मैं फिर एक बार दोहरा रहा हूं अपनी बात को कि हम लोग इन प्रश्नों को, जो कि भले ही हम लोग एग्जाम से उठाए हैं, मतलब ये आए हुए एग्जाम के प्रश्न हैं, जब आप किसी भी प्रश्न को कहीं से नोटिस करेंगे तो कोई किसी एसएससी के ईयर में आया था, कहीं कोई एलडीसी के एग्जाम में, कहीं कोई एनटीपीसी रेलवे के एग्जाम में, इस प्रकार के प्रश्नों को लिया गया है। लेकिन फिर भी ये प्रश्न केवल और केवल आपके अप्रोच
को इम्प्रूव करने के लिए ओरिएंटेड हैं। इन प्रश्नों को हम इसी उद्देश्य से लेकर आए हैं कि आप अलग अलग चित्रों पर अपने कमांड को और मजबूत कर सकें, इसलिए हम इन चित्रों को यहाँ पे बार बार दोहरा रहे हैं। अगला देखिए, एक समलंब चतुर्भुज की बात है। मैंने आपको समलंब पढ़ाया था, सम पढ़ाया था। समलंब में क्या होता था, हमने आपको बताया था समलंब में दो समांतर भुजाएं होती थी तथा दो असमांतर भुजाएं होती थी। एक हमने इसको माना, एक इसको माना। मैंने दो समांतर और दो असमांतर भुजाओं की बात की थी, तो एक समलंब चतुर्भुज का निर्माण हुआ। देखिएगा, एक समलंब चतुर्भुज आपके सामने एबीसीडी के रूप में उपलब्ध है, आप लोग इसको बोर्ड पे देखिए। इसमें कहा चतुर्भुज की ऊंचाई, समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई मतलब दोनों भुजाओं, दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 7 सेंटीमीटर है। कितनी है? 7 सेंटीमीटर। इसने हमसे आगे बोला, इसने हमसे कहा उसकी एक समांतर भुजा, मुझे स्पष्ट नहीं है कि बड़ी है कि छोटी है, लेकिन मैंने लिख दिया यहां पे 25 सेंटीमीटर। एक समांतर भुजा को मैंने 25 सेंटीमीटर मान लिया है और हमसे इसने क्षेत्रफल दे रखा है 140 वर्ग सेंटीमीटर। यहां पे हमको क्षेत्रफल दे रखा है 140 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमसे पूछा है कि दूसरी समांतर भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। दूसरी समांतर भुजा मतलब हमसे सीडी की लंबाई की बात हमसे कर रहा है, हमको सीडी के बारे में जानकारी देनी है। मैंने आपको ऐसे किसी समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल को ज्ञात करने का तरीका बताया है जिसमें दो समांतर भुजाएं और दो असमांतर भुजाएं हो, या आप ऐसे कहिए दोनों समांतर भुजाएं दी गई हैं तथा दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी ज्ञात दी गई हो, तो ऐसे स्थिति में इसका रूल होता है 1/2 समांतर भुजाओं की लंबाई। अगर इस लंबाई को हमने x माना है तो हम लिखेंगे 25 + x गुड़े उनके बीच की दूरी। उनके बीच की दूरी साफ साफ 7 दी गई है, सामने 140 है। अब आप जब काटेंगे इसको तो देखिए 7 × 14 = 20 हुआ, 20 से 2 गुड़ा होगा तो 25 + x आपके सामने 20 × 40 हो जाएगा और x का मान आपको स्पष्ट रूप से 15 सेंटीमीटर आपको ज्ञात हो जाएगा। मतलब जो हमारे पास सेकेंड भुजा थी वो आपकी 15 सेंटीमीटर यहाँ पे बनकर हमारे सामने आ रही है और आपका 15 सेंटीमीटर करेक्ट उत्तर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपके नजर आ रहा है। तो 15 सेंटीमीटर इस प्रश्न का उत्तर होगा, मतलब सबसे छोटी भुजा की लंबाई जो समांतर भुजाएं थी उनमें से दूसरी भुजा कही, हम छोटी बड़ी नहीं कह रहे हैं, हम यहाँ पे दूसरी भुजा की लंबाई को ज्ञात कर चुके हैं। मेरे ख्याल से प्रश्न भी आपको क्लियर हो गया होगा। इसके लिए आपको थोड़ा सा समलंब चतुर्भुज पे अपना कमांड देखना पड़ेगा कि दो समांतर भुजाएं और उनके बीच की दूरी की स्थिति में हम क्षेत्रफल को आराम से ज्ञात कर सकते हैं। उनमें से किसी भी को अननोन बना दे, किसी का भी मान ना दे करके, बाकी मान दे करके हमसे उसको पूछेगा, हम लोग तुरंत इस प्रश्न का उत्तर भी आराम से दे सकेंगे। ये हमारे आज की सीरीज का तीसरा प्रश्न था और पूरी उम्मीद के साथ कि आपको ये चीजें समझ में आई होगी, हम चौथे प्रश्न पे मूव करते हैं। चौथा प्रश्न आपके सामने आपकी स्क्रीन बोर्ड पर है। आप देखिए, हम नए फिगर की बात कर रहे हैं, एक दूसरा फिगर। अब समांतर चतुर्भुज, हमने समांतर चतुर्भुज भी पढ़ा है, हमने ये पढ़ा है कि एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें दो विपरीत भुजाएं समान तथा समांतर होती हैं, मतलब ये समांतर के साथ साथ समान भी होती हैं, ये समांतर के साथ साथ समान भी होती हैं। तो विपरीत भुजाएं समान तथा समांतर होती हैं, उसको हम लोग समांतर चतुर्भुज कहते हैं। अब इसने हमसे कहा आसन्न, मैं एक चीज आसन्न के बारे में आपको बता दूं, जो इंग्लिश में एडजेसेंट बोला जाता है, जो इंग्लिश मीडियम वाले देख रहे होंगे, इंग्लिश में एडजेसेंट बोला जाता है, जिसको हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं, समांतर के संगत कहते हैं, आसन्न कहते हैं। मतलब जो जुड़ी भुजाएं होती हैं वो आसन्न होती हैं, जो जुड़ी भुजाएं होती हैं वो आसन्न होती हैं। तो आपको यहाँ पे किसी एक समांतर चतुर्भुज की बात करें तो समांतर चतुर्भुज हमारे सामने ये है, समांतर चतुर्भुज हमारे सामने है। अगर हम इसका नाम एबीसीडी कर देते हैं, इसका नाम एबीसीडी कर देते हैं, तो यहाँ पे ए भुजा इस भुजा के समांतर और समान, ए भुजा इस भुजा के समांतर और समान है। आसन्न भुजाएं मतलब एक भुजा ए और दूसरी भुजा ए। इसमें देखिएगा, एक 15 है, दूसरी 18 है। जो आपको बड़ी लगे उसको 18 बना लीजिए, छोटी लगे उसको 15 बना लीजिए। मुझे ये बड़ी लग रही थी, इसको मैंने 18 बना लिया, इसको मैंने 15 बना लिया। यहां पे आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर इसको हमने 18, इसको 15 बोला, यदि दो छोटी भुजाओं के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर, अगर ये 15 है तो आपको पता है भी 15 होगा, तो ये दोनों छोटी भुजाएं हैं, इनके बीच की दूरी आपको 12 सेंटीमीटर दी गई है। कितनी दी गई है? 12 सेंटीमीटर। दूरी मतलब जो आके समकोण बनाती है, दूरी ऐसे सबको नहीं कह सकते, दूरी होती है, दूरी वही रेखा होती है किसी बिंदु से जो सतह पर आकर समकोण बनाती है, उस सतह से उस बिंदु की दूरी कहलाती है, सभी को हम दूरी नहीं कह सकते हैं। अब आप समझिए, किसी भी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, अगर ये ऊंचाई है और इनके बीच की दूरी h है, तो आपको एरिया इसका साफ साफ आपको पता है बेस इनटू हाइट होता है, मतलब आधार गुड़े ऊंचाई। अब आपको जो दिया है उसके अनुसार चलिए,
अच्छा हम इसको आधार माने हैं तो इसको ऊंचाई लेना पड़ेगा, इन केस इसको जब आधार मानेंगे तो इसको ऊंचाई लेना पड़ेगा, और वही प्रश्न है हमारा। सही प्रश्न का रूप देखिए, तो प्रश्न में यही तो पूछा है ना हमसे, दो बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी हमको ज्ञात करनी है। तो दो बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी को अगर आपने डी मान लिया, कितना मान लिया डी, तो क्षेत्रफल निकालने का तरीका तो यही है ना कि आप इसको आधार माने हैं, इसको ऊंचाई माने हैं, तो क्षेत्रफल होगा 12 × 15, आपको समझ में आ रहा होगा। दूसरा, जब इसको आधार माने हैं, इसको ऊंचाई माने हैं, तो आपका क्षेत्रफल 18 × d होगा, और दोनों क्षेत्रफल फिगर तो एक ही है ना, फिगर दो थोड़ी है, तो d का मान हमको ज्ञात करना है। ऐसी स्थिति में d का मान आपको साफ साफ नजर आ गया होगा, 180/18 होगा, अर्थात इनके बीच की दूरी 180/18 होगा, तो इनके बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर आपकी साफ साफ हो जा रही है, जो दिख रहा है हमको कि 180 को अगर हम 18 से भाग देंगे तो 10 सेंटीमीटर आपके उन बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी हो जाएगी। अब देखिए, भुजाएं बड़ी होंगी तो दूरी छोटी होंगी, भुजाएं छोटी थी तो दूरी बड़ी थी, ये थोड़ा सा सिस्टम तो है ही है इस चीज का, आप इसको इस बात से समझ सकते हैं जो मैंने आपको बताया है। तो मेरे ख्याल से प्रश्न भी आपको पूरी तरह से स्पष्ट हो गया होगा, ऐसे किसी भी प्रश्न पे आप अच्छे से आप रिस्पॉन्स कर सकते हैं, 10 सेंटीमीटर इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। क्लियर है, 10 सेंटीमीटर इस प्रश्न का सही उत्तर है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। अगले प्रश्न पे हम लोग मूव करने चल रहे हैं, पांचवें नंबर पे आते हैं, फिर नया फिगर। अब आपको समचतुर्भुज की बात की इसने, तो समचतुर्भुज के बारे में भी आपको अच्छी तरह से आइडिया है, एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान तथा विपरीत भुजाएं समांतर होती हैं, सभी भुजाएं समान तथा विपरीत भुजाएं समांतर होती हैं, जो इनके विकर्ण होते हैं एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, इनका जो क्षेत्रफल होता है दोनों विकर्णों की लंबाइयों के गुणनफल का आधा होता है, मतलब विकर्ण की लंबाइयों का गुणनफल करते हैं उसका आधा करते हैं तो हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात होता है। सभी भुजाएं समान होती है वर्ग की तरह, बाकी इंफॉर्मेशन क्वेश्चंस पे आते हैं तो वहां समझेंगे। एक समचतुर्भुज है, एक समचतुर्भुज है, नोटिस करिए आप लोग। अब इस समचतुर्भुज की एक भुजा एवं एक विकर्ण, एक भुजा दी गई है, एक दी गई तो मतलब उसने सारी भुजाओं की इंफॉर्मेशन दे दी, एक नहीं दिया उसने, हमें सब बता दिया, क्योंकि सब भुजाएं समान होती हैं, तो अगर ये पांच है तो ये भी पांच है, ये भी पांच है और ये भी पांच होगा। एक विकर्ण दिया उसने हमको, एक विकर्ण उसने हमको 8 सेंटीमीटर दिया है, क्षेत्रफल पूछा है, तो दूसरे विकर्ण के बिना हम क्षेत्रफल तो नहीं ज्ञात कर पाएंगे, तो दूसरा विकर्ण भी आपको प्लान करना पड़ेगा। दूसरा विकर्ण हमने प्लान कर लिया, जैसे ही दोनों विकर्ण का इंटरसेक्शन हुआ तुरंत यहां समकोण बनेगा, यहां समकोण बनेगा, यहां समकोण बनेगा, यहां समकोण बनेगा, और विकर्ण आपस में समद्विभाजित हो जाएंगे। जब आपने यहां पे इस विकर्ण को पूरा का पूरा 8 लिया था तो यहां तो क्लियर ही हो गया था इसका मान 4 रहा होगा, ये मान आपका कितना रहा होगा, 4 रहा होगा। अब आपको मैं फिर बता दूं, अगर ये मान 4 है तो इस मान को आप तुरंत ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है। अब जब समकोण त्रिभुज है तो समकोण के विपरीत भुजा ही तो कर्ण होती है, अगर ये कर्ण है मतलब आपकी हाइपोटेनस है, तो पाइथागोरस नियम के अनुसार ये तुरंत आपका 3 हो जाएगा, 5 के वर्ग से 4 के वर्ग को घटाएंगे और वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो ये मान तुरंत आपका 3 होगा, ये 3 होगा तो ये भी तो 3 होगा। तो एक विकर्ण आपका D1 उसने हमको दे रखा था 8 सेंटीमीटर, D2 अभी अभी आपने ज्ञात कर दिया 6 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं है, D2 अभी अभी आपने ज्ञात कर दिया 6 सेंटीमीटर, बात एरिया की थी, एरिया तुरंत हो जाएगा 1/2 × 8/6, डिवाइड कर दीजिए 2 × 3 = 8, 3 = 24, 24 सेंटीमीटर² इस समय इस जो है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। इससे आसान प्रश्न क्या हो सकता है, आप लोग यहां पे देख सकते हैं कि कैसे कैसे किया गया, आपके पास एक समचतुर्भुज था, प्रत्येक भुजाएं थी, एक विकर्ण था, विकर्ण दूसरे विकर्ण को हमने जैसे ही प्लान किया सब स्थिति स्पष्ट हो गई, आपके दोनों विकर्णों के बीच में समकोण बन गया, आपके पहले विकर्ण का आधा हो गया, दूसरे विकर्ण के आधे को हमने ज्ञात किया और उस आधे से दूना करने पे दूसरा विकर्ण भी हमको पता चल गया, और ऐसे स्थिति में हमने यहाँ पे तुरंत क्षेत्रफल 1/2 × 8/6 विकर्णों का गुणनफल करके हमने यहाँ पे उत्तर ज्ञात कर दिया, जो आपके सामने नया इस प्रश्न का उत्तर हो चुका है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे 6 नंबर पे, इसी संभावना के साथ कि आपको चीजें समझ में आई, मैं एक बार फिर से आपको दोहराता हूं, संस्थान आपके तमाम सारी समस्याओं के लिए, आपके तमाम जो है कोर्स से संबंधित प्रॉब्लम्स के लिए पूरी तरह से तटस्थ है,
और संस्थान में आप किसी भी तरह की क्वेरी और किसी भी तरह के सजेशन के लिए आप इन नंबर से संपर्क करके संस्थान से रिलेट हो सकते हैं, संबंधित हो सकते हैं। तो आपको हम जो है इसके लिए इस तरह के नंबर्स आपको देते हैं और बार बार हम अपने वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी आपको देते आए हैं। तो अब आप इसके बाद अगले प्रश्न 6 नंबर पर आएंगे। चलिए 6 नंबर देखिए, अब थोड़ा सा नया प्रश्न, अब मिला जुला प्रश्न है क्योंकि अभी तक तो एक एक फिगर हम नोटिस कर रहे थे और हर समय एक फिगर के बारे में इंफॉर्मेशन थी जो आपने पढ़ा था। जनरली हमने आयत वर्ग आपका समलंब समांतर जितना भी चतुर्भुज होता था लगभग हर प्रकार के चतुर्भुज को आपने टच किया। अब हम थोड़ा सा फिर से उसी तरह की बात करने जा रहे हैं। एक वृत्त है, देखिए अब यहाँ पे धातु के एक तार को, अब तार कभी जो होता है बड़ा फ्लेक्सिबल होता है, आप तार वायर देखते हैं तो जैसा मन करे वैसा शेप बना लीजिए, कभी उसको आप वर्ग बना सकते हैं, कभी आप उसको वृत्त बना सकते हैं, कभी आयत बना सकते हैं, जैसा कुछ आप पॉसिबल है उसी तरह से बनाइए। धातु के एक तार को वर्ग के रूप में मोड़ने पर, आपने जब उसको वर्ग बनाया तो वर्ग मतलब आप समझ सकते हैं चारों भुजाएं समान होती हैं, ये वर्ग होता है। तार को ऐसे घुमाकर चारों तरफ मोड़ दिया, ये देखिए मोड़ दिया, मोड़ने से वह 484 वर्ग सेंटीमीटर का क्षेत्र घेरती है। मतलब जो वर्ग बनकर आया उसका जो क्षेत्रफल था, एबीसीडी एक वर्ग बना उसी तार से जिस तार को आपने मोड़ा है, इस एबीसीडी का जो क्षेत्रफल मेरे सामने आया है वो 484 सेंटीमीटर स्क्वायर आया हुआ है। कितना आया है? 484 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है। यदि उसी तार को, अब तार को खोल लीजिए फिर से, एक चीज मैं फिर बता दूं, अगर किसी तार को लेकर अलग अलग फिगर डेवलप करते हैं क्षेत्रफल भले चेंज होगा लेकिन उसका परिमाप, उसकी परिधि में परिवर्तन नहीं होगा। लंबाई में थोड़ी परिवर्तन हो जाएगा, क्षेत्रफल में परिवर्तन हो सकता है लेकिन लंबाई में परिवर्तन नहीं होगा। तो जो इस वर्ग का परिमाप होगा वही उस वृत्त का, क्योंकि आप इसी को भी वृत्त बनाएंगे, इसी तार को ऐसे घुमाकर आपने एक वृत्त बनाया, उस वृत्त की परिधि हो जाएगी। सबसे पहले मैं यहां पे लिख देता हूं, यहां पे देख लीजिएगा, सर्कमफेरेंस, जो वृत्त का सर्कमफेरेंस मतलब परिधि होगी वही इस वर्ग का परिमाप होगा। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। तो सबसे पहली चीज, अगर हमको ये पता है कि उसी तार को मोड़ने से एक वर्ग बना है जिसका क्षेत्रफल इतना है, तो हम यहां से, क्योंकि आपको पता है कि भुजा का वर्ग होता है क्षेत्रफल, भुजा का वर्ग होता है क्षेत्रफल, अर्थात भुजा तो 22 हो गई क्योंकि 484 किसका वर्ग होता है? 22 का। 484 22 का वर्ग होता है अर्थात भुजा तो 22 हो गई, तो परिमाप आपका 4×22 हो जाएगा क्योंकि सभी भुजाएं समान होती हैं, अर्थात 88 सेंटीमीटर इस वर्ग का परिमाप बना। वही परिमाप ही तार की लंबाई है, जो वर्ग का परिमाप है वही तार की लंबाई है, वही वृत्त की परिधि है, वही वृत्त की परिधि है। तो सी का मान 88 हो जाएगा, सी का मान आपका 88 हो जाएगा। सी होता क्या है? 2πr। कितना होता है? 2πr बराबर 88। 2πr बराबर 88, तो 2×22/7×r बराबर 88। अब आपको क्लियर हो गया होगा, 22×44×88 r बराबर 14। आर का मान आपका 14 सेंटीमीटर हो गया, मतलब उस वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर आ गई। जब वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर आई तो इसका क्षेत्रफल तुरंत आप ज्ञात कर सकते हैं पाई आर स्क्वायर से, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। तो 22/7×r मतलब 14×14 कर दीजिए, 7×2=14 होता है, 88 हुआ गुड़े 14, तो 14×8 क्या होता है? 112, कैरी आपका 11, 14×8=12। अब आप एक सेकेंड, पाई आर स्क्वायर, पाई मतलब आपके पास 22/7, 22/7 को आप यहां पे किससे गुणा कर, 14×2=28 होगा, सॉरी एक दो और है आपके पास, नहीं हम गलती कर रहे हैं, एक सेकेंड, तो आपके पास एक सेकंड, इसको हम काट देते हैं, 22×44 होता है और 44×आप 14 करिए तो 14×4=56, कैरी 5 होता है, 14×4=56, 56×5=61 होता है, 56×5=61, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर यहां पे इस वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। आप समझ सकते हो जो मैं आपसे बातें कर रहा हूं, इस वृत्त का क्षेत्रफल अगर मुझे ज्ञात करना है तो सबसे पहले मैंने यहां पे इस वृत्त वर्ग की मदद से हमने उसकी उसका भुजा निकाली, भुजा से परिमाप निकाला, परिमाप तार की लंबाई थी, परिमाप वृत्त की परिधि थी, परिधि से त्रिज्या निकाली, त्रिज्या से हमने क्षेत्रफल निकाला और मुझे उस वृत्त का क्षेत्रफल कितना प्राप्त हो गया? 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन
नंबर डी है, और डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। पूरी इस टॉपिक को, पूरे इस अप्रोच को आप पढ़िएगा तो आपको कई चीजें स्पष्ट होंगी। पहले तो ये चीज आपको स्पष्ट हो गई कि किसी भी तार को अलग अलग फिगर में मोड़ने पर क्षेत्रफल में परिवर्तन भले होता है लेकिन परिधि में परिवर्तन नहीं होता। जो उस पर्टिकुलर फिगर का सर्कमफेरेंस, परिधि या आपका परिमाप होगा वही उस तार की लंबाई होगी। तो तार की लंबाई से हम लोग यहाँ पे किसी के भी परिमाप और परिधि को ज्ञात कर सकते हैं, और साथ साथ उससे रिलेटेड जो और अन्य इन्फॉर्मेशन हो सकती है, जैसे आपने यहाँ पे क्षेत्रफल निकाला उस तरह से हम लोग इसको ज्ञात कर सकते हैं। पूरी उम्मीद है एक चीज आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। इसी उम्मीद के साथ हम अगले प्रश्न पे आते हैं, और सातवां नंबर आज की सीरीज का आपके सामने आपके बोर्ड पर। चलिए देखते हैं सात नंबर। 8 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग की भुजा पर, अब देखिए बड़ा अच्छा प्रश्न है। एक हमारा वर्ग है, एक वर्ग है, वर्ग है तो सभी भुजाएं समान हैं, ए ए ए ए सभी समान हैं, सबकी भुजा 8 सेंटीमीटर है, सारी भुजाएं 8 सेंटीमीटर हैं। अब इसमें हमसे कहा गया कि एक भुजा पर एक समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु आप सब अच्छी तरह से जानते हैं जिसको हम आइसोसेलीस ट्रायंगल कहते हैं, जिसमें दो भुजाएं समान होती हैं, उसी को समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाया गया है, ऐसे देखिएगा, एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाया गया है, इसका मतलब ए भुजा इस भुजा के बराबर होगी। लेकिन समद्विबाहु त्रिभुज ए जो आधार उसी वर्ग पे बनाया गया है, अर्थात उसका जो आधार होगा वो तो 8 फिक्स हो गया। उसकी इस भुजा और इस भुजा की जानकारी हमको भले नहीं है, लेकिन इसने हमको एक इंफॉर्मेशन दी, आप लोग पढ़िएगा, कि जो समद्विबाहु त्रिभुज बना उसका परिमाप 18 है। अगर हम पूरा नाम कर दें यहां पे ए बी सी डी ई, तो जो त्रिभुज आपका ए डी सी ई बना हुआ है उसका परिमाप आपके सामने 18 दिया है। परिमाप कितना दिया है? 18 दिया है। ऐसी स्थिति में अगर ए मान मेरा 8 है, ए मान मेरा 8 है, तो इन दोनों का जोड़ आपका 10 होगा। समझ सकते हैं आप लोग, पूरा परिमाप भुजा की लंबाइयों का योग होता है, अर्थात अगर ये 8 है तो इन दोनों का योग 10 होगा, अर्थात ए भी 5 होगा और ए भी 5 होगा। हमसे कहा गया इस प्रकार बने इस संलग्नक या जो हमारे पास चित्र बना हुआ है, इस पूरे चित्र का क्षेत्रफल क्या होगा। अब इस पूरे क्षेत्रफल को, अगर चित्र का क्षेत्रफल हम लोग ज्ञात करना चाहते हैं, तो मुझे इस वर्ग का क्षेत्रफल भी लेना पड़ेगा और साथ साथ इस त्रिभुज का भी क्षेत्रफल लेना पड़ेगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल तो क्लियर है, 8 × 8 = 64 हो गया, क्लियर है, क्योंकि ये वर्ग है तो वर्ग में कोई समस्या ही नहीं है। 8 × 8 आपका 64 हो गया, प्लस आप इस त्रिभुज का जब क्षेत्रफल करेंगे तो त्रिभुज कैसा त्रिभुज है, त्रिभुज इस समय एक, त्रिभुज इस समय एक, आपको पता होगा कि एक जो है समद्विबाहु त्रिभुज है। वैसे इंफॉर्मेशन बहुत एग्जैक्ट है, मैं आपको दिखाना चाहूं तो डायरेक्ट बता सकता हूं, समद्विबाहु त्रिभुज का भी रूल लगा सकते हैं। डायरेक्टली भी मैं बता दूं, अगर यहां से एक परपेंडिकुलर डालिए, एक लंब डालिए, तो ए 5 है, यहां समकोण बनेगा तो 4 होगा और 3 आ जाएगा, इसका मतलब 1/2 × 8 × 3, 8 × 3 होता है 24, 24 का आधा करेंगे होगा 12, अर्थात इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया 12, तो 12 को जब जोड़ेंगे तो 4 × 2 = 6, 6 × 1 = 7, 76 सेंटीमीटर² तो आ ही गया। ओरल आप समझ सकते हैं, लेकिन यहां पे आपको हो सकता है चीजें ना समझ में आई हो, तो आप यहां पे समद्विबाहु त्रिभुज का जो फार्मूला होता है उसको भी आप देख सकते हैं। मैंने फार्मूला भी पढ़ाया आपको, क्या फार्मूला था समद्विबाहु त्रिभुज का, b/4√4a² - b², लेकिन भैया मैं सलाह नहीं दूंगा कि आप लोग इस फार्मूले का यूज करिए, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपके लिए। जब ये इंफॉर्मेशन ऐसी दी गई है तो तुरंत फिलहाल लगा के एक बार देख लीजिए आप लोग, 8/4 नहीं तो हमने लिखा और ना करे तो अच्छा नहीं होता। 4 × a मतलब जो समान भुजाएं हैं, तो 5 × 5 = 25 यहां पे लिखी जाएंगी, -b मतलब क्या 8, 8 का वर्ग क्या होगा 64, तो 8/4 क्या होगा 2, और यहां पे करेंगे तो 100 × 64, अर्थात यहां होगा √36 × 2, 36 √6, 6 × 12, देखिए 12 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 12 ले जाके यहाँ पे इस वर्ग के क्षेत्रफल में, क्योंकि वर्ग का तो आपको 64 क्लियर हो गया है, त्रिभुज का भी अभी आपने 12 बता दिया, दोनों को जोड़ दीजिए, 76 सेंटीमीटर² इस प्रश्न का उत्तर आ गया। अब ए वाला स्टेप्स आप इग्नोर कर सकते हैं, अगर आप वर्ग ओरल देख रहे हैं, वर्ग ओरल देख रहे हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल 64 है, इसमें अगर ये ऊंचाई पता चल जाती तो काम तो मेरा हो ही जाता ना। देखिए ऊंचाई तो आपको दिख भी रही होगी, अगर यहां समकोण है, ये पूरा 8 है, ये पूरा 4 तो हो ही जाएगा यहां से यहां तक।
अगर ये चार है ये पांच है तो ये तो आप लोग बार बार जानते हैं तीन होगा। तो चाहिए अगर तीन हो गई आधार आठ है तो एक बटा दो गुड़े आठ गुड़े तीन तो ऐसे ही समझ में आ रहा था हमको, दो चौके आठ चार तिया बारह, इसीलिए तो मैंने बारह पहले से ले रखा था ना, तो बारह को आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते थे। इसलिए आपको थोड़ा सा दिमाग आपके फिगर पे काम, फिगर पे आपका दिमाग डिपेंडेंट या पूरी तरह से उस पर यूज्ड होना चाहिए। आप फिगर को बहुत अच्छी तरह से माइंडसेट करके चलेंगे तभी आप जाकर के जल्दी से प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे और सही सही दे पाएंगे। पूरी उम्मीद मैं करता हूं कि प्रश्न भी आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसी श्रृंखला में हम अगले प्रश्न पे आते हैं जो कि आठवां नंबर है। तो आज की इस क्लास का आठवां नंबर देखिएगा, ये आपके सामने एक नया प्रश्न, इसको नोटिस करिए। किसी आयत की भुजाओं का अनुपात 5:3 है। आयत आप सब समझते होंगे, एक आयत है जिसकी भुजाओं का अनुपात 5:3 है। अगर ये 5 है तो 3 है और इसका जो क्षेत्रफल है वो 1500 वर्ग मीटर है। आपको क्या करना है कि 2.5 मीटर की दर से उस आयताकार मैदान के चार दीवारी बनवाने का खर्च, मतलब यहाँ पे जो ए वाल है इसको बनवाने का खर्च पता करना है। सबसे पहले देखिएगा, अगर हम इसको 5x माने हैं, इसको 3x माने हैं, तो एरिया जो हो जाता है वो 5×3x² हो जाएगा, 15x² हो गया। और आपको दिख रहा है साफ साफ ये 15 जो एक्स स्क्वायर है ये 1500 के बराबर है। 15x² 1500 के बराबर है, अर्थात एक्स स्क्वायर आपका 100 है। एक्स स्क्वायर अगर 100 है तो एक्स का मान तो 10 स्पष्ट हो गया। एक्स का मान अगर 10 है तो ये भुजा आपकी 50 होगी और ये भुजा आपकी 30 होगी। जब ये भुजाएं हमको पता चल गई तो भैया परिमाप निकालना कितना आसान है। तो परिमाप निकालने में क्या समस्या है, क्योंकि हमें जब कभी भी तार लगवाना होगा, चार दीवारी बनवानी होगी, इस तरह से कोई काम करना होगा तो हमें परिमाप पे ही काम करना होगा। और ऐसे स्थिति में जो परिमाप होगा वो आपका 2× लंबाई प्लस चौड़ाई होगा, मतलब 50+30 होगा, 50 × 30 = 80 × 160 होगा। अब आप बताइए आपको चार दीवारी बनवाने का रेट क्या है, 2.5 रुपए। तो पूरा जो टोटल कास्ट है वो आपका 2.5×160 होगा, 160 × 320, आधा करेंगे 80, कुल मिला के 400 रुपए हमारे खर्च हो जाएंगे। 400 रुपए पहला ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। कितना आसान सा प्रश्न है, आयताकार मैदान के दोनों भुजाओं के बीच का अनुपात दिया था, क्षेत्रफल दिया था, मैंने उनकी मदद से यहाँ पे उन भुजाओं को ज्ञात किया। भुजाओं को ज्ञात करने के बाद हमने परिमाप ज्ञात किया, क्योंकि चार दीवारी बनवानी है तो चार दीवारी बनवाने के खर्च के लिए दर से हमने गुणा करके चार दीवारी बनवाने का पूरा खर्च ज्ञात कर दिया। ये उत्तर हो गया आपका। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, पूरी उम्मीद है कि भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न 9 नंबर देखिएगा, फिर से एक प्रश्न आपके सामने आपके बोर्ड पर, आप लोग इसको नोटिस करिए। किसी वृत्त की परिधि, फिर से एक वृत्त की बात हो रही है और उसके परिधि की भी बात हो रही है, परिधि मतलब इसके बाउंड्री की लंबाई, एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। अब देखिए एक वर्ग भी है, कह रहा है इसके परिमाप के बराबर है, वर्ग की भी भुजाएं आपकी समान ही होती हैं। अब इसने कह रहा है जिसका क्षेत्रफल 121 वर्ग सेंटीमीटर है, एक ऐसा वर्ग है जिसका क्षेत्रफल 121 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर है। बढ़िया है, परिधि बराबर है ना, क्षेत्रफल थोड़ी बराबर है। तो परिधि अगर बराबर है तो क्षेत्रफल दिया है इसका भी। ऐसा ही प्रश्न हम लोगों ने तार को मोड़ने वाला कराया था। अगर एरिया इसका 121 है तो आपको पता है ओरल कोई बता देगा भुजा 11 होगी। कैसे होगी, 121 का वर्गमूल क्या होता है, 11 ही तो होता है। तो यहां पे इसकी जो भुजा होगी वो 11 होगी और इसका जो परिमाप होगा वो परिमाप आपको पता है 11×4 = 44 होगा। इसका परिमाप 44 सेंटीमीटर हो गया। अब अगर जो परिमाप है वही इसकी परिधि, आपको पता है जो परिमाप है वही इसकी परिधि है। आपको यही तो बोला था ना कि वृत्त की जो परिधि है वर्ग के परिमाप के बराबर है। तो वर्ग का, ऐसे वर्ग का जिसका क्षेत्रफल 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का वर्ग। तो भुजा का वर्ग आपका 121 होगा तो भुजा आपकी हो जाएगी 11। अगर भुजा हो गई 11 तो आप परिमाप तुरंत ज्ञात करेंगे 44 और यही परिमाप यहां पे परिधि होगी, परिमाप ही तो परिधि होगी। तो C बराबर अगर 44 है तो 2 पाई आर मतलब 2×22/7×r बराबर हो गया 44। 22×44 खत्म, तो r का मान हो गया 7। जब r का मान 7 तो एरिया आपको क्लियर हो गई होगी, क्या होगी बताइए, 22×7×7×7 अर्थात 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा।
154 सेंटीमीटर स्क्वायर इस प्रश्न का उत्तर होगा, जो उस वृत्त का क्षेत्रफल होगा जो आपकी दी गई कंडीशंस पे डिपेंडेंट था। तो आपने इस 9 नंबर के प्रश्न को देखा जो दो फिगर पे डिपेंडेंट था, और आप लोग ऐसे प्रश्न को भी आप हल कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। आते हैं आगे के प्रश्न पे, और अंतिम प्रश्न आज की श्रृंखला का जो थोड़ा सा प्रतिशत पर आधारित है, प्रतिशत पर आधारित है, उस क्वेश्चन को भी आप लोग देख लीजिएगा कि यहाँ पे इस प्रश्न का क्या सिस्टम है, क्या है। देखिएगा, एक आयत है, अब आपको पता है फिर से वही स्थिति, एक आयत है, इसने कहा आयत की लंबाई को 25% बढ़ा दें तथा चौड़ाई को 20% घटा दें। लंबाई को 25 बढ़ाया, चौड़ाई को 20 घटाया, तो हमारे पास जो चित्र का निर्माण हुआ, हमसे पूछा गया उसके क्षेत्रफल में क्या हो जाएगा। जब आप देखिए ऐसे प्रैक्टिकली सोचिए, किसी एक फील्ड के अगर लेंथ और ब्रेथ को अगर हम बढ़ा ही दें तो क्षेत्रफल तो बढ़ जाएगा, घटा ही दें तो क्षेत्रफल घट जाएगा। समस्या तो तब होती जब बढ़ाया भी गया और घटाया भी गया, तो हमें यहाँ थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ता है। आप यहाँ पे देखिएगा कि लंबाई को 25% बढ़ाया गया, चौड़ाई को 20% घटाया गया, तो हमसे पूछा गया क्षेत्रफल में कुल कितने प्रतिशत का परिवर्तन हो गया। इसका एक सिस्टम रूल है, आप उसको जस्ट अप्लाई करिए। 25 प्लस में था क्योंकि बढ़ा था, 20 माइनस में था क्योंकि घटा था, तो 25 से 20 घटाइए, फिर एक माइनस लगाइए, 25 × 20 करिए, बटा 100 करिए, तो 25 से 20 निकला तो 5, माइनस आप इसको भी करेंगे तो 20 × 25 100, 5 × 25 25, कुल मिला के 5, 5 से 5 घटा 0, अर्थात कोई परिवर्तन नहीं हुआ, अपरिवर्तित रहा। ये प्रतिशत का सिस्टम है, जब आप लोग प्रतिशत पढ़ते हैं तो इन चीजों को पढ़ाया जाता है, और फिर भी हम लोग इसको मेंसुरेशन में भी अच्छी तरह से लेते हैं। यहाँ पे अन्य चित्रों में भी आप लोग ऐसे नियमों को अप्लाई कर सकते हैं, केवल आयत में ही नहीं, वर्ग में भी लगेगा, वृत्त में भी लगेगा, त्रिभुज में भी लगेगा, यहां तक कि जब आप सॉलिड फिगर पढ़ेंगे तो भी प्रतिशत का परिवर्तन देखा गया। तो मैंने जब बढ़ाया तो प्लस, घटाया तो माइनस, बीच में माइनस क्योंकि दोनों का गुणा होगा तो प्लस माइनस माइनस होता है, दोनों के गुणनफल को 100 से हम लोग यहाँ पे डिवाइड कर देंगे तो आपके इस प्रश्न का उत्तर आपको पता चल जाएगा। अगर यही चीज प्लस में आता तो वृद्धि मानी जाती, माइनस में आता तो कमी मानी जाती, और अगर शून्य आ गया तो आपका अपरिवर्तित रहा। तो आज के इन 10 प्रश्नों की श्रृंखला को आपने पढ़ा और समझा, आपको जो बेसिक क्वेश्चंस पढ़ाए गए थे, जो तरीके पढ़ाए गए थे फिगर्स के, उन्हीं पे आधारित इन प्रश्नों को हमने लिया है। मैं फिर से आपको ये सब दोहराता हूं कि ये प्रश्न आपके केवल और केवल कॉन्सेप्ट को इंप्रूव करने के लिए है, साथ साथ अगर ऐसे किसी भी एग्जाम में ये प्रश्न आते हैं तो उसके लिए भी आपके मददगार होंगे। आशा करता हूँ इस श्रृंखला आपको, इस क्लास भी आज इस श्रृंखला की अच्छी लगी होगी। कल की क्लास में या जो नेक्स्ट क्लास हम लोग की आएगी उसमें हम नए चित्रों के साथ फिर से आएंगे, मेंसुरेशन का ही अगला टॉपिक लेकर के। तो आज की इस क्लास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।